उधर चंडीगढ़ के रेजीडेंट डॉक्टर की हड़ताल जारी है। सैक्टर 32 के हस्पताल के डॉक्टर वालों हड़ताल की गई। बीते दिन प्रशासन ने ड्यूटी के उत्ते वापस जाने की अपील भी की सी, पर उसके बावजूद भी हड़ताल के उत्ते बैठे हुए ने डॉक्टर। सेंट्रल रेजीडेंसी स्कीम लागू ना करते नाराज ने। हस्पताल के रोजाना 5000 के करीब मरीज आते हैं, तो वो इस खज्जल खुआर भी पूरे है। मंगा मन्ने जाण तक हड़ताल के उत्ते डॉक्टर अड़े रहणगे, इन्हां दे वल्लों ऐलान किया गया। रेजीडेंट डॉक्टर एसोसीएशन का हड़ताल का अज दूसरा दिन है। प्रशासन ने उन्हां नूं कहा सी कि ड्यूटी ते वापस जाओ, इस दे नाल लोकां नूं खज्जल खुआरी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, पर उसके बावजूद भी वो अपने मंगा के उत्ते डटे हुए हैं। अज भी अपनी मंगा नूं लैके हड़ताल के उत्ते बैठे हुए ने डॉक्टर, जो कि चाहते हैं कि उन्हां दी मंगा जल्द तो जल्द मनिया जाण। रेजीडेंस डॉक्टर की हड़ताल तुसी देख पा रहे हो, तो उत्थे उन्हां दी मंगा की ने यह भी जानने की कोशिश करांगे। उत्थों दी तस्वीर भी तुहानूं जिहड़ियां असीं दिखावांगे। बजम वर्मा चंडीगढ़ तो साडे नाल जुड़े हुए है। बजम, इस वक्त दिया तस्वीर जिहड़ियां वो असीं देख पा रहे हैं उत्थे, कि हाले भी डॉक्टर तुहाडे पिछे धरने के उत्ते बैठे हुए है। इन्हां दीआं मंगां की ने, किहड़ी गल नूं लैके इस तरह हड़ताल से बैठे है, तां जो क्योंकि एक पासे जिहड़े मरीज हस्पताल दे विच पहुंचदे वो भी खज्जल खुआरा हो रहे होणगे, पर इन्हां दी कोई मजबूरी होएगी? देखो बिल्कुल, एक नारा ही ला रहे हैं, वो कह रहे हैं काम हमारा ज़्यादा है पैसा फिर भी ज़्यादा है। तो इस जरा होर की कुछ मंगा ने इन्हों दियाँ वो जान लें, क्योंकि 250 के करीब रेजीडेंट डॉक्टर इस वक्त दूसरे दिन भी बैठे ने, जबकि कल प्रशासन वालों ये कह दिता गया सीगा कि असी थोड़ी मंगा लई जो है वो गल जरूर करांगे अगे, पर फिलहाल कोई लिखित इन्हों को जो है कोई लिखित तौर पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया सीगा। पर हुण की अगे की रणनीति इन्हों की, क्योंकि अज दूसरा दिन है मैम, सब तो पहला किन्ने क लोग बैठे ने जो डॉक्टर्स ने, पर नाल दे नाल क्योंकि एमरजेंसी सर्विसेज की गल कर रहे थे वो हले भी चालू ने। सेम साडा स्टांस ओही है जो साडा कल सीगा, कल भी जिदा ही असि नॉन एमरजेंसी सर्विसेज रेजीडेंट डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाए से, अज भी ओही है रेजीडेंट डॉक्टर्स नॉन एमरजेंसी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। एमरजेंसी सर्विसेज ओदा ही चल रही ने, ते हले तक सानू कोई रिटर्न एश्योरेंस की गल हले तक साडे नाल किसी ने नहीं की है, असी हले भी वेट कर रहे हैं। मे बी दे आर थिंकिंग अबाउट इट, अपना स्टेटस सो सानू दस दिन ता असी भी चले जाइए इत्थों अपने काम ते वापस चले जाइए। मैम कई सारे पेशेंट्स आते हैं उन्होंने भी हेल्थ होंगी है, पर जिथे एक पासे तुसी कह रहे हो कि सानू पे पूरी तरीके नाल दित्ती नहीं गई, लगता है मेंटल हेल्थ पर प्रेशर पैंदा इस चीज़ नूं लैके कि असी काम जिहड़ा ज्यादा दे रहे हैं पर तनखा उन्नी है? ऑब्वियसली मैं तुहानू पहला भी कल दस्सिया सी, बहुत ही हिम्मत नाल असी अपने लिए कदम उठाया है, हमेशा असी समाज सेवा दे विच पेशेंट्स दे लिए हमेशा असी दूसरे लिए काम किया है, पर साडे लिए कौन सोच रहा है, ये सरकार नू जरूर सोचना चाहिए साडे वास्ते। अपना काम अगर असी पूरी शिद्दत नाल निभा रहे हैं तो सरकार नू भी सानू एडिक्वेटली कंपनसेट करना चाहिए। सरकार की लगता है कंपनसेट करती क्यों नहीं सुनती थोड़ी गल, जबकि तुसी ओ जिहड़े कि सारा ठीक कर रहे हैं? सुनन ना सुनन सरकार दी पॉलिसीज़ जे विच जो इंप्लीमेंटेशन है वो जल्दी हो जावे तो सब नूं ही बेनीफिट होएगा, पेशेंट्स नूं भी बेनीफिट है, असी होर डेडिकेशन नाल असी अपने पेशेंट्स की तरफ होर असी डेडिकेशन दिखा सकते हैं। जे असी खुश होवांगे साडे पेशेंट्स भी खुश रहेंगे, असी परेशान हाँ पेशेंट्स भी परेशान होणगे, साडी वर्क एंथुसियाजम साडा घटदा है, सानू मोटिवेट करना चाहिए सरकार नूं कि हाँ जी तुसी काम कर रहे हो असी तुहानू इन्नी तनखा दे रहे हैं। लगता है मोरल डाउन होंगे डॉक्टर्स का इसी तरीके? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमें खुशी नहीं मिलती है काम करके, बट करना पड़ रहा है बहुत मजबूरी के कारण, हम इस चक्कर में हमें बहुत दुख है। प्रशासन ने गलबात की हले तक, क्योंकि कल प्रेस नोट तो आया सी उन्होंने वालों, पर थोड़े ने कोई गल की? नहीं नहीं, सिर्फ हमें वर्बली एश्योरेंस कराया जा रहा है, कोई हमें रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिली जा रही। क्या रणनीति की रही गया इसी तरीके? जब तक हमें रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिलता हम यहीं पर बैठे हैं, 8 से लेके 5 बजे तक हम यहीं बैठे हैं, उसके बाद कल सुबह फिर बैठेंगे अगर हमें कोई रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिलता। रिटर्न एश्योरेंस आज नहीं मिलता फिर कल भी इसी तरीके बैठेंगे, तो इसी तरीके धरना जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि अपनी मंगा लैके जो है वो हड़ताल से ने, पर कद तक प्रशासन इनकी जी मंग वो पूरी करता है सुनता है उससे जो सवाल हले भी बनया हुआ है जी।
बजम इतने होर भी जो डॉक्टर बैठे उन्होंने भी गलबात की कोशिश करो कि किन्निया क वड्डियां चुनौतियां पेश आउंदियां क्योंकि जे वो प्रशासन के नाल एक हिसाब नाल आड़ा ला रहे अपन मंगा नूं लैके तो फिर एक डर भी हुंदा है कि उन्होंने उत्ते कार्रवाई ना हो जाए तो दूजी गल उन्होंने मन के भी एक पासे जरूर होएगा क्योंकि डॉक्टरी पेशा इस तरह का है उन्होंने मरीजों का भी ध्यान रखना पैंदा दिमाग दे विच वो भी गल आ रही होएगी कि मरीज़ साढ़े बिना जिहड़ा वो परेशान हो रहे होणगे। देखो बिल्कुल कई डॉक्टर्स भी अच्छे ने उन्होंने गल कर लेने हैं, आपसे बात कर सकते हैं, किनसे करें, इनसे कर लेते हैं, क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ तो पेशेंट्स भी हैं उनका भी ध्यान रखना होता है क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज भी चल रही हैं, दूसरी तरफ ये भी डर है कि प्रशासन खुद पे कार्रवाई ना कर दे कोई आप पे जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है काम? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन हम पे अभी कोई एक्शन कर सकेगा क्योंकि पेशेंट केयर हमारी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। हमारे SR भी OPD भी बैठ रहे हैं, इमरजेंसी भी देख रहे हैं, हमारे कंसल्टेंट्स भी OPD भी देख रहे हैं और इलेक्टिव केसेस भी करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ हड़ताल पर बैठने से सिर्फ थोड़ा बहुत पेशेंट केयर में फर्क पड़ा हुआ, पर ऐसा नहीं कि पेशेंट्स को केयर नहीं मिल रही है, वहाँ उनकी ड्रेसिंग्स भी हो रही है और न्यू एडमिशंस भी हो रहे हैं, डिस्चार्जेस भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट केयर नहीं हो रहा है, इलेक्टिव सर्जरीज हो रही है, एडमिशंस हो रहे हैं और वो प्रॉपरली अटेंड किए जा रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हो रही है। इनफैक्ट जो नाइट करता है वो नाइट करने के बाद वापस आके सुबह यहाँ पे हमारे साथ बैठता है, अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और इसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। ये कह सकते हैं कि पेशेंट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे, भावे अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज नहीं, कुछ नहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे, तो कह रहे कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, पर हाँ पेशेंट्स नाल कॉम्प्रोमाइज जड़ा है वो नहीं किया जा रहा है, जबकि अपनी नींद नाल किया जा रहा है क्योंकि एमरजेंसी सर्विस जड़ी है हले भी चल रही ने, OPDs भावे बंद पई ने, दूजे पास जो नाइट सर्विस देंगे ने अपने वह नाइट सर्विस दे के जो इतने आके बैठे हुए ने, शायद आही कारण है। एक पासे हत्थां च जिहड़ा है वह हत्थ खड़े ने जिहड़े कह रहे ने हत्थ साडा हक इत्थे रख, तो दूजे पासे जिहड़ी अखां च नींद भी है, पर शायद यह भी आस है कि कोई प्रशासन का अधिकारी आके इन्हां दी मंगा जिहड़ी है वह पूरी करेगा तो जिहड़ी नींद है वह उड़ जाएगी। जी ठीक है बजम, जुड़न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैक्टर 32 के हस्पताल इस वक्त डॉक्टर जिहड़े हड़ताल के उत्ते बैठे हुए ने, रेजिडेंट डॉक्टरां दीआं मंगां ने, वो आखते हैं कि साडीआं मंगां मन लईआं जाण तो फिर ही असी धरना इत्थों चुकांगे। हालांकि जदों उन्हां नूं ये पुछया गया कि मरीजां नूं कोई परेशानी जिहड़ी आ रही है तो उन्होंने आख्या कि साडे बाकी जिहड़े साथी ने वो लगे हुए है, सेवावां उन्हां नूं दे रहे हैं, पर कुछ कु मुश्किल जरूर उन्होंने झलनिया पै सकदियां। हुण ये रेड़का जो आपस दे विच बणिया होया प्रशासन दे नाल इन्हां दा कदों हल हुंदा इस दे उत्ते भी नज़र बनी रहेगी।